बहुत पुरानी यहाँ पे इन्होंने ये बनाया हुआ है, पत्थर के ऊपर ये डिज़ाइन बनाया हुआ है। ये एक बादशाह है और एक क्वीन बनाई हुई है और दरमियान में उनका लॉर्ड जो है वो बनाया हुआ है। इलाका जिसमें देखिए डिज़ाइन भी इन्होंने बनाया हुआ है और यहाँ पे एक रेस्टोरेंट बनाया हुआ है इन्होंने। ये इस तरह पुरानी सी एक शिप है और उस पर एक रेस्टोरेंट बनाया हुआ और ये और इसके बाद यहाँ पे भी एक पुरानी सी शिप खड़ी हुई है, इसमें भी रेस्टोरेंट बनाया हुआ है। ये इसके अंदर सारा इन्होंने किचन भी है और इसका ये इसके अंदर वो जो फुलसवान होती है वो भी उसके सामान है, यानी फुलसे जो होते हैं वो भी इसके अंदर बेचते हैं। और ये यहाँ पे ये बनाया हुआ है, ये दो शिप्स हैं पुरानी बहुत खड़ी हुई हैं, एक छोटी है और एक बड़ी है और इसके अंदर इन्होंने रेस्टोरेंट बनाया है। और यहाँ पे पहले शिप चला करती थी वो स्वीडन जाती थी, वो बंद हो गई, अब इन्होंने यहाँ पे एक ब्रिज नया बनाया और इसमें यहाँ पे ये स्टेप्स भी बनाई हुई हैं। और यहाँ पे 2016 में ये बनाया गया, यहाँ पे लिखा भी हुआ, ये लिखा भी हुआ है यहाँ पे। और ये यहाँ पे इन्होंने नया ये ब्रिज बनाया, ये ट्रैक जो है ये साइकिलों के लिए, ये सारा ये ट्रैक जो है साइकिल्स के लिए इन्होंने बनाया हुआ। और उस तरफ जो है वो शिप्स भी हैं खड़ी हुई हैं, ये पुरानी शिप्स खड़ी हुई हैं। ये जितनी भी शिप्स हैं इनमें रेस्टोरेंट बने हुए हैं और ये फिश रेस्टोरेंट उसके आगे हैं काफ़ी, और इनके अंदर भी ज़्यादातर ये फिश फरोख्त करते हैं, फिश की मुख्तलिफ डिशेज होती हैं यहाँ पे। और ये जितना भी ये नई कंस्ट्रक्शन हुई है 2016 में हुई है और ये साइकिल का सारा ट्रैक बनाया हुआ है, ये सारा ट्रैक जो है ये सारा साइकिल का है। और ये स्टेयर्स बनाई हुई है और यहाँ से आप वो सारा ट्रैक जो है वो साइकिलों का है। और इस तरफ अगर आप आएंगे तो ये जो है ये सारा ट्रैक ये पैदल चलने वालों के लिए बनाया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे अगर आपने वॉक करना है ये वॉक के लिए बनाया हुआ है इन्होंने, सारा वॉक के लिए बनाया हुआ है ये वाला ट्रैक। और ये स्टेयर्स बनाएंगे इससे आप एंटर होंगे यहाँ पे। और ये उस तरफ का जितना भी ट्रैक है वो पैदल चलने वालों के लिए और ये ट्रैक ये साइकिल के लिए बनाया हुआ है, यानी जो साइकिलों पे आते हैं यहाँ से चले जाएंगे दूसरी साइड पे। काफ़ी आगे तक बनाए हुए इन्होंने ब्रिज, वो दूसरी साइड ये कस्टन हाउन की है वहाँ पर ये ब्रिज जाता है वहाँ तक। और ये न्यू हाउन का इलाका है और ये साइकिल के ट्रैक सारे बनाए हुए हैं इन्होंने, इसमें साइकिल चला सकते हैं, साइकिल पे आप चलती वहाँ जा सकते हैं। और अगर आपने वॉक करनी है तो दूसरा ट्रैक है जिसकी अगर आप उस तरफ जा सकते हैं, जबकि साइकिल चला भी रही है यहाँ पे और साथ में जॉगिंग कर रही है। और इस तरफ जितने भी ये शिप्स बने हुए हैं ये यहीं खड़े रहते हैं, इनमें रेस्टोरेंट बने हुए। और ये देखें यहाँ साइकिल के निशान भी हैं, तो ये साइकिल के लिए ट्रैक बनाए हुए हैं, ये दोनों ट्रैक जो हैं ये साइकिल के लिए बनाए हुए हैं। और ये साइकिल चला भी रही हैं जा रही हैं यहाँ पे। और अगर आपने दूसरी साइड वो जो है ना पैदल चली है, वो पैदल आपने अगर उस साइड पे जाना तो इस साइड से साइकिल का है और दूसरी साइड से ये पैदल का है। और ये बहुत पुराना इलाका है, ये आप देख सकते हैं
तो ये जितने भी यहाँ पे शिप्स खड़े हुए ये यहीं पे परमानेंट खड़े रहते हैं और इनमें फिश रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं। और ये एक साइड पे खड़ा हुआ है, ये फिश रेस्टोरेंट नहीं है, ये किसी का अपना, ये कुछ देर बाद हो सकता है ये ले जाएगा यहाँ से। और यहाँ पे स्टूल्स भी बने हुए हैं, अगर मौसम अच्छा होता है लोग बैठते हैं यहाँ पे। यहाँ पे ये इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक जो है ना टिकट्स का सिस्टम बनाया हुआ है। यहाँ पे आपको डेनिश और ब्रिटन यानी इंग्लिश और जर्मन तीन जबानों में इसका ट्रांसलेट भी लिखा हुआ है। यहाँ से आप जो है ना ले सकते हैं ये जो शिप्स के, जब मौसम अच्छा होता है तो यहाँ पे शिप्स चलती हैं, उनके टिकट्स यहाँ से ले सकते हैं आप। ये इमरजेंसी के लिए उन्होंने एक यहाँ पे साथ ही इन्होंने ब्रिज भी बनाया हुआ है। ये यहाँ पे ब्रिज है छोटा सा, इसके बाद इस दूसरी साइड पे आप चले जाते हैं। और इस साइड में भी जितनी शिप्स खड़ी हुई हैं इनमें भी रेस्टोरेंट हैं, और आगे जितनी शॉप्स हैं वो भी सारे फिश रेस्टोरेंट्स हैं। ये बहुत पुरानी शिप्स खड़ी हुई हैं यहाँ पे और इनमें रेस्टोरेंट सारों सब में बने हुए हैं और ये यहीं खड़ी रहती है। इस तरफ से मैं इनको देखता हूँ, अगर दिखा सकूँ आपको। और ये इलाका जो है ये न्यू हाउंड का इलाका है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है देखें, ये का नेम है इलाके का। और यहाँ पे पुरानी शिप्स खड़ी हुई हैं और ये परमानेंट यहाँ पे खड़ी रहती हैं। और इनके अंदर ये बाहर का इनका लाउंज सा बना हुआ है, यहाँ पे भी बैठ के लोग डिनर करते हैं या यहाँ पे बैठ के जो है ना वो खाते पीते हैं। रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं इन शिप्स के अंदर, सारे रेस्टोरेंट बने हुए हैं। ये बहुत पुरानी है शिप, और यहाँ पे इनका वो लिखा हुआ है कि इसमें क्या है, क्या क्या चीज़ आपको मिल सकती है। और इस तरफ जितनी शिप्स खड़ी हुई हैं वो भी इसी तरह रेस्टोरेंट्स इनमें बने हुए हैं। और इस ब्रिज के उस तरफ ये जो शिप्स के दूसरी साइड्स पे जो दुकानें बनी हुई हैं वो भी सारे रेस्टोरेंट्स ही हैं, और ये फिश रेस्टोरेंट्स हैं सारे। उस तरफ भी शिप्स खड़ी हुई, यहाँ भी जितनी शिप्स खड़ी हुई हैं ये भी सारे इनमें फिश रेस्टोरेंट्स हैं। और यहाँ पे ये जो समर में शिप्स चलती हैं अंदर लोगों के लिए, लोग उसमें सैर कर सकते हैं, तो यहाँ पे उनके जो है टिकट्स भी हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है साइटिंग उसको कहते हैं, ये यहाँ पे भी लिखा हुआ है कैनल, ये इनका लिखा हुआ है 50 करोड़ बड़ों के हैं और 20 करोड़ बच्चों के हैं इन शिप्स का। यहाँ पे टाइम टेबल है, और यहाँ से नीचे ये स्टेयर्स हैं, यहाँ से चले जाते हैं और यहाँ पे शिप साइड पे खड़ी होती है, ये जो लोगों के लिए होती है, तो यहाँ से नीचे चले जाते हैं स्टेयर से, यहाँ टिकट लेके, और उसके बाद यहाँ भी नीचे चले, फिर जाके वो शिप में बैठ जाते हैं। तो ये बना हुआ है यहाँ पे समर में जो शिप्स चलती हैं उनके लिए, यहाँ पे टिकट्स की आगे जगह बनी हुई, उसका दिखाता हूँ मैं इस तरफ से जाके। ये यहाँ पे टॉयलेट्स भी बनी हुई हैं जेंट्स लेडीज़ के लिए अलग हैं और जेंट्स के लिए दूसरी तरफ हैं। और यहाँ पे इस तरफ है एंट्रेंस इसकी, यहाँ से ये स्टेयर्स आप लेके यहाँ पे अंदर ये एरिया है, यहाँ से टिकट्स आप लेते हैं बाय, और टिकट लिखा हुआ है यहाँ पे, ये टिकट यहाँ से लेके यहाँ पे बना हुआ है सारा इनका वो स्टेयर। ये कैनल टूअर्स लिखा हुआ है यहाँ पे, कैनल टूअर कोपेनहेगन। तो ये यहाँ पे शिप्स ये इस तरह स्टेयर्स बनी होती हैं, और ये यहाँ से आके फिर टिकट लेके आप और यहाँ पे आ जाते हैं, तो यहाँ पे फ्लाइट आ जाती है उनकी शिप्स की, उसके अंदर फिर आप यहाँ पे बैठ जाते हैं और
तो मुख्तलिफ जगहों पर ये जो चैनल बनी है उनके अंदर सैर करते हैं। ये सारा ये इस तरह बना हुआ है, ये सारी स्टेयर्स हैं, इस तरह आप जाते हैं इसके अंदर और यहाँ पे पूरा इनका सिस्टम बना हुआ है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड भी अभी काम नहीं कर रहा, हमने बंद किया हुआ तो उसको भी ऑन करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के जरिए। और ये जो शिप की एक आर्किटेक्ट डिज़ाइन यहाँ पे किया हुआ है, ये इस तरह बना हुआ है इसका, ये बहुत पुराना है यहाँ पे बना हुआ, ये यहाँ पे ऐसे बनाया हुआ है इन्होंने। ये जो एरिया है खोंग्स न्यूचो, खोंग यानी बादशाह को कहते हैं, खोंग्स न्यूचो इसका नाम है। और ये पहले यहाँ पे तो काफ़ी ट्रीज लगे होते थे, अब नहीं है ये, यहाँ पे ये सारा इन्होंने ये बनाया हुआ इसको, बहुत अच्छा इन्होंने बिल्डअप किया हुआ यहाँ पे। इसके तरफ यहाँ पे इन्होंने किंग जो है उसका बनाया हुआ है स्टेचू दरमियान में, और उसके बाद जो मुख्तलिफ नीचे उसके गार्ड्स हैं वो बने हुए हैं। ये इस तरफ से आपको नज़र आएगा, ये किंग इनका बैठा हुआ है घोड़े पे, और ये पूरा इस तरह बनाया हुआ उन्होंने। ये अंदर इसके पहले यहाँ पे ट्रीज होते थे, अभी उन्होंने हटा दिए, यहाँ पे इसका नाम लिखा हुआ है। और ये थिएटर है बहुत पुराना यहाँ पे बना हुआ है, ये पुराने डिज़ाइन भी हैं यहाँ पे, ऊपर इसके स्टेचू भी बना हुआ है। ये इसके एंट्रेंस है मेन, यहाँ पे बहुत पुराना ये थिएटर बना हुआ है, ये आप इसकी बिल्डिंग है ये सारी। और ये एक और स्टेचू बना हुआ है और इसका भी यहाँ पे ये नाम लिखा हुआ है, ये स्टेचू इसका। और यहाँ पे ये स्लाइड्स मुख्तलिफ चलती रहती हैं, उसमें एडवर्टाइजिंग भी आती हैं और थिएटर के बारे में भी लिखा होता है कि कौन किस टाइम शुरू होगा, कौन सा प्रोग्राम है उनका थिएटर का, तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन इसकी आती रहती है कि अब कौन सा यहाँ पे प्रोग्राम होगा थिएटर में, कौन सा आइटम होगा, ये इनका लिखा रहता है यहाँ पे टिकट्स के बारे में इंफॉर्मेशन, और ये स्लाइड चलती रहती है। जबकि यहाँ पे ये इसके दो स्टेचूस बने हुए हैं, एक ये आपको बताया था ये, और ये पूरी बिल्डिंग है इसकी, बहुत मशहूर मेन इनका थिएटर है कोपेनहेगन का, और दूसरा स्टेचू भी यहाँ पे बना हुआ है, और ये स्टेचू एक यहाँ पे बना हुआ है और एक यहाँ पे, और ये इसके मेन एंट्रेंस है। ऊपर पुरानी बिल्डिंग है, ये बहुत बहुत पुरानी बिल्डिंग बनी हुई है, और यहीं पे आप साइड में ये इनका मेट्रो का स्टेशन भी यहाँ पे बन गया, पहले ये नहीं हुआ करता था, यहाँ पे ये इनका मेट्रो का स्टेशन भी नीचे बना हुआ है, जबकि स्टेयर्स ये नीचे अंडरग्राउंड जाते हैं तो ये मेट्रो का स्टेशन है यहाँ पर।